टुडे वी डिस्कस द पार्ट टू ऑफ लॉजिकल रीजनिंग चैप्टर एट टुडे वी डिस्कस द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ सीरीज सो नाउ टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर थर्टीन सो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स एंड सर्कल्स आर दे इन द गिवन फिगर जो ये फिगर दिया है इसमें हमें बताना है कि टोटल तो 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 नंबर ऑफ स्क्वायर्स और सर्कल कितने हैं तो इसलिए हमें काउंट करने पड़ेंगे कि कितने स्क्वायर्स हैं और कितने सर्कल्स हैं तो देखिए स्क्वायर्स देखिए कितने हैं देखिए ये है स्क्वायर ठीक है ये स्क्वायर को कहते हैं जिसकी चारों साइड इक्वल होती है उसको कहते हैं स्क्वायर आप काउंट करते हैं कितने स्क्वायर्स हैं देखिए वन है टू थ्री फोर फाइव फाइव ये हो गए देन सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन हो गए फिर देखिए इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिर एक ये हो गया फिफ्टीन एक ये हो गया सिक्सटीन और इसके अंदर ये हो गया 17 तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं आपके 17 ठीक है उसने टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स एंड सर्कल अभी हमें सर्कल भी काउंट करने देखिए आप इसको कहेंगे ये स्क्वायर नहीं है ये रेक्टेंगल है ठीक है अब हमें स्क्वायर अब हमें सर्कल्स काउंट करने कितने सर्कल्स हैं तो देखिए सर्कल कितने हैं? वन ठीक है टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो कितने सर्कल्स हो गए टेन तो सेवनटीन में टेन ऐड करेंगे तो कितना होगा ट्वेंटी सेवन तो टोटल तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स एंड सर्कल्स कितने आ गए ट्वेंटी सेवन सो ऑप्शन डी इज करेक्ट कम टू क्वेश्चन नंबर फोर्टीन डैश ग्रुप्स ऑफ थ्री स्टैपलर ईच कैन फॉर्मड फ्रॉम द गिवन स्टैपलर कितने ग्रुप्स होंगे थ्री स्टैपलर्स के थ्री स्टैपलर ईच हर एक ग्रुप में कितने स्टैपलर्स होंगे ईच तो हमें कितने का ग्रुप बनाना है थ्री थ्री स्टैपलर्स का देखिए पहले ये थ्री का बना ये क्या हो गया फर्स्ट ग्रुप फिर ये हो गया आपका सेकेंड ग्रुप ठीक है देखिए सेकेंड ग्रुप हो गया अब ये थर्ड ग्रुप में दो ये हो गए एक ये हो गया ये हो गया थर्ड ग्रुप अब फोर्थ ग्रुप देखिए ये हो गया फोर्थ ग्रुप और ये हो गया फाइव ग्रुप तो कितने ग्रुप्स हो गए थ्री थ्री स्टेपलर्स के फाइव ग्रुप्स ठीक है ऐसे ही वो पूछ सकता है कि फोर स्टेपलर्स के कितने ग्रुप्स होंगे तो फिर तब हम फोर को इकट्ठे रखेंगे ओके क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन विच बॉल इज द लाइटेस्ट कौन सी बॉल सबसे हल्की है तो देखिए ये पी है ये क्यू है ये आर है ये पी है देखिए ये दोनों इक्वल हैं ये इक्वल आर है इसका मतलब एक आर और दो पी का वेट इक्वल है ठीक है सो so, इसका मतलब कौन लाइटर है एक सिंगल पी जो है वो लाइट है सिंगल पी लाइट है क्योंकि लाइट इसलिए कहा क्योंकि देखिए एक आर की जो वेट है वो दो पी के बराबर है ठीक है सो so, इसका मतलब पी का वेट जो है कम है आर का ज्यादा है अब देखिए यहाँ पे पी ये है क्यू है तो देखिए जो लाइटर चीज होती है वो वेइंग मशीन में ऊपर चली जाती है और जो हैवी होती है वो नीचे रहती है तो देखिए इसमें इन दोनों में से कौन हैवियर होगा देखिए पी नीचे आया तो इसलिए पी हेवियर है और क्यू ऊपर चला गया तो क्यू का है लाइटर है तो देखिए तो सबसे कौन लाइटर होगा क्यू इज लाइटर नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन सेलेक्ट द ऑड वन आउट इसमें से हमको जो ऑड है वो चूज़ करना है देखिए ये रैक्टेंगल रेक्टेंग, ये है ये ट्रायंगल है ये भी रैक्टेंगल है पर थोड़ा उसका शेप चेंज है और ये ये भी रैक्टेंगल है तो देखिए इसमें से ऑड क्या है देखिए इन सब की चार साइड्स हैं इसकी थ्री साइड्स हैं इसकी भी फोर साइड्स हैं इसकी भी फोर साइड्स हैं तो कौन ऑड है ट्राइंगल इज ऑड नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेवनटीन हाउ मैनी कुकीज़ आर आउटसाइड द प्लेट हमें बताना है कि कितनी कुकीज प्लेट के बाहर हैं तो देखिए काउंट कीजिए कितनी कुकीज प्लेट के बाहर हैं देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कितनी कुकीज प्लेट के बाहर हैं सिक्स वो कितनी भी कुकीज अगर वो पूछता हाउ मेनी कुकीज आर इन साइड द प्लेट इन साइड का मतलब प्लेट के अंदर है तो कितनी कुकीज प्लेट के अंदर हैं तो प्लेट के अंदर वाली काउंट करेंगे तो कितनी हो गई वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इन साइड है सेवन और जो क्वेश्चन पूछा आउटसाइड वो है आपका सिक्स नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर इफ सर्कल के अंदर ट्राइंगल इज रिलेटेड टू ट्राइंगल के अंदर सर्कल वो कह रहा है कि अगर ये रिलेटेड है देन दिस इज रिलेटेड टू देखिए इसमें क्या किया है सर्कल के अंदर ट्राइंगल बना है तो उसने उसका उल्टा कर दिया है तो ट्राइंगल के अंदर सर्कल डाल दिया है अब उसने पूछा है देखिए ये डायमंड शेप के अंदर एक रेक्टेंगल डाला है तो ये किससे रिलेटेड होगा इसका रिवर्स कर देंगे रेक्टेंगल के अंदर ऐसा डायमंड शेप आएगा तो देखिए कहाँ है रेक्टेंगल के अंदर डायमंड शेप देखिए ये है ये है ये है ये है आप चेक कीजिए कौन है तो देखिए ये है रेक्टेंगल हमारा और उसके अंदर डायमंड शेप सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ये सही इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये है स्क्वायर शेप है स्क्वायर के अंदर डायमंड है ठीक है हमें चाहिए रेक्टेंगल के अंदर डायमंड सो ऑप्शन ए इज करेक्ट नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर नाइनटीन विच लेटर इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन द गिवन वर्ड वो बोल रहा है विच लेटर इज द फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन द गिवन वर्ड देखिए इसने यहाँ पे ये लेफ्ट दिया है लेफ्ट ये है लेफ्ट ये है तो ये राइट right है तो फिफ्थ लेफ्ट हैंड से हमें फिफ्थ बताना है कौन है तो देखिए फिफ्थ कौन है वन टू थ्री फोर फाइव तो कौन है फिफ्थ लेटर ए ए इज द फिफ्थ लेटर ठीक है अगर ऐसे ही वो पूछेगा लेफ्ट हैंड से सिक्स लेटर कौन सा है तो कौन सा होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो टी हो जाएगा ओके तो ऐसे ही वो कुछ भी दे सकता है अब क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इफ येस्टरडे वॉज संडे देन टुमोरो विल बी देखिए अगर येस्टरडे संडे है तो आज क्या होगा येस्टरडे मतलब जो दिन बीत गया अगर कल संडे था तो आज क्या होगा मंडे तो देन टुमोरो विल बी टमोरो मीन्स आने वाला कल तो टुमारो क्या होगा ट्यूजडे सिमिलरली देखिए अगर वो कहेगा कि इफ यस्टरडे वॉज ट्यूजडे देन टमोरो विल बी तो देखिए येस्टरडे अगर ट्यूजडे है तो आज क्या होगा आज होगा वेनेसडे और टुमोरो क्या होगा थर्सडे ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन डैश इज द थिकेस्ट बुक एंड डैश इज द थिनेस्ट बुक तो देखिए थिकेस्ट मतलब क्या होता है सबसे मोटी और थिनेस्ट मतलब क्या होता है सबसे पतली तो देखिए थिकेस्ट कौन है और थिनेस्ट कौन है देखिए सबसे मोटी कौन है एस तो एस क्या है थिकेस्ट और सबसे पतली कौन है सबसे पतली है पी देखिए सब ऑलमोस्ट आपको सेम लग रही होगी पर आपको अच्छे से चेक करना है तो सबसे मोटी है एस और सबसे पतली है पी सो एस और पी देखना है देखिए पहले थिकेस्ट है तो पहले हम thickest का ही देखेंगे तो so, पहले एस एस कहाँ है पहले देखिए एस एस इज़ thickest एंड पी इज थिनेस्ट सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट S एन P. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू सेलेक्ट द ऑड वन आउट इसमें से हमें ऑर्ड नंबर्स बताने तो देखिए सेवन प्लस टू कितना होता है सेवन प्लस टू होता है नाइन ठीक है फोर प्लस फाइव नाइन टू प्लस एट टेन सिक्स प्लस थ्री नाइन तो इसमें से ऑर्ड क्या है देखिए इसका टोटल भी नाइन आ रहा है इसका भी नाइन आ रहा है इसका टेन आ रहा है इसका नाइन तो बताइए कौन ऑर्ड है सो टेन इज द ऑर्ड Now come to question number twenty three. There are dash birds sitting on the branch. देख इसमें बोला कि कितनी birds branch में बैठी हैं तो देखिए calculate कीजिए हमें बैठी भी birds बतानी हैं जो branch में बैठी हैं कितनी बैठी हैं देखिए one, two, three. कितनी बैठी हैं Only three बैठी हैं अगर आप ये three भी count करेंगे तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि उसने बैठी भी पूछी हैं sitting पूछी हैं। Okay? नाव कम टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर टू विच ग्रुप डज द शेप उल्टा ट्राइंगल लेटा हुआ ट्राइंगल बिलोंग ये किससे बिलोंग करता है देखिए ऐसा किस किसम है ऐसा शेप किस किसमें है इसमें है देखिए 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 किसमें है इसमें है क्या ये देखिए इसमें ये है इसमें देखिए इसमें है इसमें है कहीं नहीं है इसमें इसमें देखिए इसमें है कहीं है yes, तो किस कौन से कौन से ग्रुप में है एक ग्रुप पी में है और ग्रुप आर में है तो देखिए किस में है ग्रुप पी में है और ग्रुप आर में है सो ऑप्शन सी इज करेक्ट नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर ऑफ फिगर गिवन ऑन द आइदर साइड ऑफ टू कोलन उसने बोला है कि यहाँ पे एक सर्टेन एक रिलेशनशिप दी है पे, ये फिगर्स के पेयर में ठीक है सो आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप ऑफ गिवन पेयर एंड फाइंड द मिसिंग फिगर उसने बोला कि हमें रिलेशनशिप फाइंड करनी है और मिसिंग फिगर बताना है कि कौन होगा ठीक है देखिए फोर है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने सर्कल दिए हैं अब देखिए क्या सर्कल है वो एक दो तीन चार पाँच सर्कल हैं फिर ऐसी कोलन दिया है और यहाँ पे फाइव दिया है आप देखिए यहाँ पे क्या आएगा देखिए इसमें कितने वन टू थ्री फोर रेक्टेंगल हैं और देखिए इसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सर्कल हैं इसमें वन टू थ्री फोर फाइव फाइव स्क्वायर्स हैं इसमें वन टू थ्री फोर फोर ट्राइंगल्स हैं तो बताइए देखिए क्या होगा देखिए इसमें फोर के बाद क्या आया है फाइव इसने बोला था इस कोलन के में एक दिया गया रिलेशनशिप देखिए फोर के बाद क्या है फाइव और ये हमारे कितने सर्कल्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव तो ये फाइव सर्कल्स हैं तो फाइव सर्कल्स है तो यहाँ पे कितने सर्कल्स आ जाएंगे सिक्स सर्कल्स ठीक है तो सिक्स सर्कल्स कौन है ये हैं सिक्स सर्कल्स देखिए क्योंकि फोर में एक उसने इंक्रीज करके फाइव लिख दिया है यहाँ, तो यहाँ पे ठीक है तो ऐसे यहाँ पे फाइव सर्कल्स हैं तो यहाँ पे हम एक सर्कल इंक्रीज कर देंगे तो कितने हो जाएंगे सिक्स सर्कल्स सो ऑप्शन बी इज करेक्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो थैंक यू